चैप्टर स्टार्ट करेंगे। रिकॉन्स्टिट्यूशन का ही कहानी कंटिन्यू हो रही है। पहले हमने क्या करा था, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब कर रहे हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो क्वेश्चन आता है, जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होती है तो क्वेश्चन आता है, व्हाट इश्यूज आर फेस्ड, व्हाट इश्यूज आर फेस्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। व्हाट इश्यूज आर फेस्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है तो क्या क्या इश्यूज हम फेस करेंगे। सबसे पहला, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो। कह रहे कोई नया पार्टनर आ रहा है तो उसको कुछ शेयर देंगे, कौन देगा, कौन सैक्रिफाइस करेगा, कौन कितना गेन करेगा, न्यू रेशियो क्या होगा। रिकॉन्स्टिट्यूशन में भी पहला स्टेप यही था, यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही है। अब कहानी थोड़ी डिफरेंट होगी, पहले क्या था, तीन लोग आपस में शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 3:2:1। नाउ दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इक्वली, वो चेंज इन पीएसआर में होता था। अब एडमिशन है, ए एंड बी आर पार्टनर्स, सी इज एडमिटेड टू द फर्म। तो कोई जो नया पार्टनर आ रहा है वो तो गेनिंग पार्टनर है ही है, क्योंकि पहले उसका शेयर था जीरो, अब उसको जो भी शेयर देंगे वो उसका गेन ही है, तो वो तो हो गया गेनिंग पार्टनर। अब उसको वो दे कौन रहा है, क्या बाकी पार्टनर्स दे रहे हैं, क्या बाकियों में से एक ही दे रहा है, क्या वो इक्वली दे रहे हैं, क्या वो किसी स्पेसिफिक रेशियो में दे रहे हैं। तो कौन गेन कर रहा है, कौन सैक्रिफाइस कर रहा है, कितना गेन कर रहा है, कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, पहला स्टेप हो जाएगा। क्यों कैलकुलेट करते हैं गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फॉर द एडजस्टमेंट और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तो सेकेंड इश्यू हो जाएगा, हाउ टू कॉम्पेंसेट फॉर गुडविल। तो आपने रेशियोज कैलकुलेट कर लिए, फिर आप गुडविल कैलकुलेट करो। हो सकता है आपको क्वेश्चन में डायरेक्टली गिवन हो सकता है आपको कैलकुलेट करनी पड़े, वैसे ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी जैसे अभी तक सीखे हैं। तो गुडविल इज द कॉम्पनसेशन गिवन बाय द गेनिंग पार्टनर टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो वो तो सेम ही रहेगा कॉन्सेप्ट, जस्ट दैट अब क्योंकि कोई नया पार्टनर आ रहा है, पहले तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स ही थे ना, वो अपने कैपिटल में से अपने दूसरे को दे देते दे थे, मैंने आपको देने हैं, मेरे कैपिटल में से माइनस करो, इसको ट्रांसफर कर दो। अब एक नया पार्टनर आ रहा है, वो पहले से तो एग्जिस्ट करता नहीं, हम अब उसको बोलते हैं कि भाई साहब देखो आप आ रहे हो, 50,000 तो आपकी कैपिटल है, आपको कैपिटल के अलावा गुडविल की पेमेंट भी करनी पड़ेगी। तो गुडविल में यहाँ पे कुछ मजेदार केसेस होंगे कि नया पार्टनर के जो शेयर ऑफ गुडविल है वो कैश में लाया कि काइंड में लाया, लाया कि नहीं लाया, अगर लाया तो क्या होगा, नहीं लाया तो क्या होगा। तो लेकिन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वही रहेगी, कॉम्पेंसेशन गिवन बाय द गेनिंग पार्टनर टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। बट वेरिएशन होंगे, मजेदार केसेस होंगे, लॉजिक वही रहेगा, गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कॉम्पेंसेट कर रहा है, बट यहाँ पे क्योंकि एक नया पार्टनर है हो सकता है वो पैसे लाए, कैश लाए, एसेट लाए, कुछ लाए, क्या करेंगे जब आएगा तब सीखेंगे। नेक्स्ट होगा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। एग्जैक्टली सेम एज चेंज इन पीएसआर, एग्जैक्टली सेम। बट कॉन्सेप्ट का ध्यान रखें ना, एग्जैक्टली सेम का मतलब ये क्या है कि जो भी रिजर्व्स हैं ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो जो नया पार्टनर आ रहा है क्या उसका हक है उन रिजर्व्स पे, नो, तो ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होंगे ना, तो यहाँ पे भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। कोई अगर रिजर्व है, कोई अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, और कोई अगर फिक्टिशियस एसेट भी है, तो वो भी ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में ही एडजस्ट करना पड़ेगा। तो सेम ट्रीटमेंट ही है कि ओल्ड रेशियो में उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा, 1% भी कुछ नया यूज नहीं होगा इस एडजस्टमेंट। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स
एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज. रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ही है. एग्जैक्टली सेम एज चेंज इन पीएसआर. लॉजिक एग्जैक्टली सेम रहेगा. आप एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करो. रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट सेम है. डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. डेबिट साइड पे आएगा इंक्रीज इन लायबिलिटीज, डिक्रीज इन एसेट्स. क्रेडिट पे आएगा इंक्रीज इन एसेट्स, डिक्रीज इन लायबिलिटीज. क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट होगा, डेबिट ज्यादा है तो लॉस होगा. प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ओल्ड रेशियो में एडजस्ट कर दिया जाएगा. तो सब नया क्या होगा बेटा? वो नए एडजस्टमेंट, नई वेरिएशन ले आएंगे. कॉन्सेप्ट वही रहेगा. यस, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में आप कुछ सीखोगे ना, नए केसेस. रेशियो कैलकुलेशन में डिफरेंट केसेस होंगे क्योंकि पहले वही पार्टनर्स थे तो वेरिएशन कम थी, यहाँ वेरिएशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी. लॉजिक वही रहेगा. हम ये देख रहे हैं किसका शेयर बढ़ रहा है, किसका शेयर कम हो रहा है, क्योंकि हम जानना चाहते हैं गुडविल कॉम्पनसेशन कैसे करें. नेक्स्ट होगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल्स, कैपिटल एडजस्टमेंट. बड़ा ही मजेदार पॉइंट, बट ये तभी टच हो पाएगा जब उससे पहले का सारा कहानी हो चुकी होगी. और लास्ट में होता है प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट. तो सिंपल सी बात है, कुछ नया नहीं, ठीक है. बट द पॉइंट इज बहुत ही ज्यादा सिमिलैरिटीज होंगी जो आप चेंज इन पीएसआर कर चुके हो और जो आप अब एडमिशन करने वाले हो. तो मैं थक गया था बोलते बोलते कि अभी जो मेहनत कर रहे हो वो आगे काम आएगी. तो जिन्होंने ढंग से करा उनको खुद ही वो पता चल जाएगा जब वो कौन से ट्रीटमेंट नंबर 3 और ट्रीटमेंट नंबर 4 हो रही होंगी. कुछ भी लिख दिया ना, एग्जैक्टली सेम एज चेंज इन पीएसआर, तो बात ही खत्म हो गई. तो प्लीज उसको ढंग से क्लोज किया जाए, आपका ही बेनिफिट होगा. तो हम आज क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पहली एडजस्टमेंट रेशियो कैलकुलेशन. क्योंकि मैंने आपको क्या, 4 में से 2 ही तो चीजें न्यू है, यस और नो? और गुडविल तब तक नहीं कर सकते जब तक रेशियो कैलकुलेशन ढंग से ना आए. तो आज सिर्फ और सिर्फ हम क्या करेंगे, रेशियोज कैसे कैलकुलेट होने वाले हैं एडमिशन के टाइम. रेशियो कैलकुलेशन एक बार आपको अच्छे से आ गई तो ही ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कर पाओगे. अगर रेशियोज ही गलत कैलकुलेट कर रहे हो तो क्या गुडविल की एंट्रीज भी अगर बताओ तो क्या अमाउंट कैलकुलेट कर पाओगे, किसने किसको कितने रुपए देने हैं, गलत ही आएंगे. तो इसलिए आज का एजेंडा बड़ा सिंपल सा है, एडमिशन के टाइम रेशियोज कैसे कैलकुलेट होंगे. ओके?